हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने हुडेड आई पे विंग्ड आईलाइनर कैसे लगाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा आई हुडेड है। सो हुडेड आई जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, जहाँ आपका जो आई लीड है वो एक्स्ट्रा स्किन के अंदर छुप जाता है। उस एक्स्ट्रा स्किन को हम हुड कहते हैं। तो जब हम विंग्ड आईलाइनर लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है, जो आपका विंग्ड आईलाइनर है वो हुड के अंदर छुप जाता है। सो विंग डाइनर लगाने का हुडेड आई में एक तरीका होता है। सो दिस इज़ माई आई। सो आप मेरे आई में देख सकते हैं कि जो मेरा आई है ओपन करते ही जो मेरा आई लीड है वो छुप जाता है हुडेड आई में। सो इसीलिए हुडेड आई ज़्यादातर आई मेकअप दिखता नहीं है। हुडेड आईज में ज़्यादातर आई मेकअप नहीं दिखता है। तो विंग डाइनर लगाना हम सबको पसंद है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं नहीं लगा पाती। तो एक बहुत ही सिंपल आज ट्यूटोरियल में बताऊंगी बिगिनर के लिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मुझसे भी अच्छा आता है, पर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह बिगिनर है। तो चलिए मैं आपको पहले नॉर्मल आईलाइनर लगा के दिखाती हूँ, नॉर्मल विंग आईलाइनर लगा के दिखाती हूँ, जिसे लगाने से वो ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है। जो सब ये नॉर्मल तरीका सब यूज़ करते हैं, जो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली हुडेड आई में इस विंग आईलाइनर बिल्कुल भी काम नहीं करता। मेरा आईलैश अभी बहुत सफ़ेद दिख रहा है क्योंकि मैंने कॉन्सीलर लगाया है और कोई मस्कारा नहीं लगाया है इसीलिए। तो ये ऊपर से देखिए बहुत अच्छा लगता है, पर जब मैं आंखें खोल रही हूँ तो मेरा विंग आईलाइनर छुप गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हुडेड आई में। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, आई नो कि मेरे साथ भी ये होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप किस तरह से आईलाइनर विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। सो पहले तो आप अपने आँख को बंद करके विंग आईलाइनर बिल्कुल भी मत लगाइए। अपने आँख को ओपन रखिए और सीधा देखिए मिरर के ऊपर, और ओपन रखते ही आप एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कीजिए अपने हुड के ऊपर से, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर एक शार्प सेक्शन हो गया और एक सी कट आ गया आपके आया विंग आईलाइनर में। सो इस तरह का कुछ कट आपको करना है, और इस कट को करने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है मिरर में, आँख बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, और अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ बिल्कुल भी मत खींचिए। तो अभी जो सी सेक्शन क्रिएट हुआ है उससे मैं बहुत ज़्यादा शार्पन अप कर रही हूँ, और बाकी का जो लाइन है उसे ड्रॉ कर लूँगी। बहुत इजी पेन मेथड है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, बट रोज़ रोज़ ट्राई करने से, प्रैक्टिस करने से आपको ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और अभी तो हम घर से भी नहीं निकल रहे हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, और एक आईलाइनर आई होप लड़कियों के पास सबके पास होगा। तो आप बिल्कुल ट्राई करते रहिए, मुझे यकीन है कि आप भी जल्दी से सीख जाएंगे मेरी तरह। सो आप अभी देख सकते हैं कि मेरी इस आई में विंग्ड आईलाइनर जो है वो दिख रहा है, और हुड के अंदर बिल्कुल भी नहीं छुपा, बट इस तरह बट लेफ्ट आई में वो छुप गया है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा है। अगर लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।